हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है लेट टेक यूपीएससी सीएसई अन अकेडमी में। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट मैं बता दूं आपको सभी को डेली, जो कि मैं बताता भी हूँ कि देखिए जो ये अन अकेडमी है, ये भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है एजुकेशन के क्षेत्र में। अगर आप देखो एजुकेशन को लेकर के हमने कुछ सालों में अपना एक गोल जो सेट किया था, हमने उसको पाया है और लगातार हम उसके ओर अग्रसर हैं। तो सबसे पहले अगर आप अन अकेडमी से जुड़ते हो तो आपको क्या क्या मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए डेली लाइव क्लासेस मिलेगा, डेली लाइव क्लासेस के साथ साथ स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस होगा और लाइव टेस्ट और क्विजेस करवाए जाएंगे, अनलिमिटेड एक्सेस होगा, ये सारी चीजें प्रोवाइड होंगी। देखिए डेली लाइव क्लासेस का मतलब क्या है कि मोर देन 40 लाइव क्लासेस चल रही होती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस होते हैं और इसका जैसे कि लाइव टेस्ट और क्विजेस होता है। 9 PM पे जैसे मेरी क्लास होती है और 10 PM पे, तो दोनों पे ये यानी आप ये कह सकते हो कि इसमें जैसे टेस्ट सीरीज का क्लासेस चलता है। गूगल प्ले स्टोर से आपके जाके, अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और वहां से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके ऐसे इंटरफेस खुल के आएगा, वहां से अपनी पढ़ाई को पूरा करना है। अगर आपके पास एप्पल फोन है तो एप्पल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लो और वहां से अपने आप को बेहतर कर लो, पढ़ लो। और मेरा नाम देवी सिंह है, इंडियन इकोनॉमी पीटी और मेंस के लिए पढ़ाता हूँ। इसमें सारा हैंड आउट आपको मिलेगा ये टेलीग्राम चैनल पे। तो इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत पीटी और मेन्स के लिए, ध्यान रखिएगा पीटी और मेन्स के लिए आपको इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है। इसके साथ साथ हिस्ट्री ऑप्शनल की बात करें और पॉलिटी पीटी के लिए और हिस्ट्री ऑप्शनल मैं पढ़ाता हूँ, किसके लिए, हिस्ट्री ऑप्शनल यूपीएससी सीएससी के लिए, हिस्ट्री ऑप्शनल और इंडियन इकोनॉमी पीटी और मेंस के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे और एजुकेटर हैं जिनसे जुड़ के अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हो। इसी के अंतर्गत हमने कॉम्प्रेहेंसिवली सिलेबस कवर किया है, करीब हमारे इसी प्लेटफॉर्म में 16,000 के आसपास जो रिकॉर्डेड फॉर्म में कोर्सेस पड़े हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें तो देवी वाईटी ये कोड है, इसको यूज करना है। हमारे पास कुछ प्लान है, प्लान के अंतर्गत एक प्लस का प्लान है, एक आइकॉनिक का है और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर के है। हम अभी तीनों को विस्तार से बात करेंगे, पहले हम प्लस के बारे में बात कर लेते हैं। देखो प्लस के अंतर्गत 1 माह से लगा करके 36 माह तक का प्लान है। इसके अंतर्गत आपको ये देवी वाईटी कोड है यूज करना है, 10% का डिस्काउंट प्राप्त होगा। लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, पर्सनल कोचेस, ये सारी चीजें आपको उपलब्ध होंगी। साथ ही साथ देवी बाईटी अगेन यही कोड है सेम, और अगर आइकॉनिक के देखिए आइकॉनिक सबसे बेहतर है क्योंकि आपको पर्सनल कोच उपलब्ध होगा, ये बहुत बड़ी चीज है, ये सबकी बस की बात नहीं होती है पर्सनल कोच हायर कर लेना, खासकर यूपीएससी के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही पर्सनल कोच को लेकर के है, स्टडी प्लानर है, ये सारी व्यवस्थाएं आपको आइकॉनिक के अंतर्गत भी मिलेंगी। अगेन आपको 10% का यहाँ पे डिस्काउंट प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखो कि इसमें अगेन 10% का डिस्काउंट, इसको यूज करोगे आप और इसके यूज करने के बाद आप देख सकोगे कि 1 माह से लगा करके 36 माह तक का इसमें ऑप्शनल में भी प्लान है, ठीक है। तो चलो कुछ कॉन्टेक्स्ट होने से जो कि कल ऑलरेडी हेल्ड हो चुके हैं ये आपको सभी इसके बारे में पता ही था। कुछ हमारे बैचेज हैं जो कि 2021 पीटी के लिए जो प्रॉपर डेडिकेटेड हैं, कुछ बैच 2022 पीटी मेंस और 2023 पीटी मेंस के लिए डेडिकेटेड हैं। इनसे जुड़ के यानी 18 तारीख अर्थात आज से स्टार्ट है, इनसे जुड़ के आप अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हो और मेरा ये कोड यूज करना कतई ना भूलें, इससे आपको 10% का डिस्काउंट प्राप्त होगा। एक चीज और बता दूं, आइकॉनिक का ये कंफर्म हो चुका है कि ये अब इसका जो प्राइस है वो हाइक होने वाला है, तो जल्द से जल्द 25 से पहले सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलो भैया तो हम अब स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा लेक्चर है, अगर हमें बात करना है सेकेंडरी मार्केट। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसमें से हमें कुछ चीजें जैसे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कल हमने डिस्कस किया था फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, राइट इशू, और राइट इशू के साथ साथ हमने एक चीज और डिस्कस की थी आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, फॉलो ऑन जो पब्लिक ऑफर है, और उसके साथ साथ मैंने राइट इशू, ठीक है ना। तो एफपीओ, ठीक है, यानी आईपीओ, एफपीओ, आईपीओ और एफपीओ, एफपीओ और इसके साथ साथ राइट इशू, हमने कल के क्लास में इन दोनों तीनों चीजों को डिस्कस किया था, ठीक है। ये इनिशियल पब्लिक ऑफर, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर और राइट इशू,
इनके बारे में डिटेल से बात करी थी। ठीक है, तो चलो अब सेकेंडरी मार्केट और थोड़ी से सेकेंडरी मार्केट को के भी अंतर्गत मैंने सारी चीज बताई थी। अब शेयर मार्केट से संबंधित हम स्टॉक मार्केट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दकोश कुछ शब्दावलियों को डिस्कस कर लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हम चलते हैं कि कुछ पेज ले लेते हैं, नया पेज जरूरी है। अच्छा इसमें लगा तो है नया पेज, है ना। चलो देखो पहली शब्दावली है, अच्छा एक मिनट है ना, जो पहली शब्दावली है ब्लू चिप कंपनी। देखो जो मैंने जब अबाउट में बता रहा था तो आपको एक टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड, वो अनअकैडमी ही उसको ऑन करता है, अनअकैडमी नाम से ही, देवी सिंह अनअकैडमी नाम से बना है, उसमें सारा हैंड आउट प्राप्त होगा। मैं स्पेशल इंडियन इकोनॉमी के लिए सभी स्टूडेंट को सभी बच्चों को ये बता दूं कि किसी भी बच्चे को इंडियन इकोनॉमी का ना ही कोई किसी का किताब पढ़ना है और ना ही किसी बच्चे को किसी भी प्रकार से कोई एनसीईआरटी फॉलो करना है, चाहे वो कोई भी एनसीईआरटी हो। ठीक है, अब आप कहेंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं ऐसा इस वजह से बोल रहा हूं क्योंकि जो नोट्स है वो सारी 300 पेज की है और इसमें पीटी और मेंस यानी प्रीलिम्स परीक्षा और मेंस दोनों पूरी तरीके से कवर होगा, और मैं अपने जो अपना डिस्कशन है इस डिस्कशन में मैंने पीटी और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करता हूं चीजों को। तो हमें शेयर मार्केट के अंतर्गत हमें कुछ शब्दावलियां कुछ शब्दकोश को पढ़ना है। चलो इन शब्दावलियों को जानते हैं। तो पहले है ब्लू चिप कंपनी, क्या है ब्लू चिप कंपनी। देखो भैया ये जो ब्लू चिप कंपनी है एक्चुअल में ये कंपनियां जो कि आकार में साइज में बहुत बड़ी हैं, आकार में बहुत बड़ी हैं। इनका हमेशा ऐतिहासिक मतलब इनका इतिहास रहा है कि इन्होंने अपने निवेशकों को लाभ का एक हिस्सा वितरित किया है, यानी लाभांश वितरित किया है। इसके साथ साथ इनका जो इतिहास है साफ स्वच्छ रहा है, इनने हमेशा निरंतर समृद्धि दर्ज की है, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ इनने क्या करी है, इकोनॉमिक ग्रोथ आर्थिक समृद्धि हमेशा दर्ज करी है। तो आपको ब्लू चिप कंपनी अब क्या है जरा अगेन सुनिएगा, मैंने कहा ये कंपनियां जो ये कंपनी है ये साइज में बहुत बड़ी है, ये आकार में बहुत बड़ी होती है, इनकी हमेशा निरंतर वृद्धि दर्ज करती है, इनकी जो समृद्धि होती है जो ग्रोथ रेट होता है वो कंटिन्यूअस चलता रहता है और ये हमेशा लाभ पे रहती है। ठीक है, इनका जो लाभ वाला हिस्सा होता है साथ ही साथ ये अपने इन्वेस्टर्स को अपने निवेशकों को एक लाभांश के रूप में एक लाभ वाले हिस्से को क्या करते हैं ये हमेशा बांटते हैं। समय समय पर ये जब लाभ बांटती है तो एक इनका ऑब्वियस साफ स्वच्छ इतिहास होगा, इनने कभी अपने किसी लेन और देनदारियों में किसी प्रकार का कोई घोटाला नहीं किया होता है, तो ऐसी कंपनियों को ब्लू चिप कंपनियां कहते हैं। ये कंपनियां जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती हैं ये उनके मुख्य सूचकांकों में शामिल होती हैं। ऐसी ब्लू चिप कंपनियां स्टॉक मार्केट के कहां पे, मैंने बताया जो स्टॉक मार्केट है जैसे कि एनएससी और बीएससी, उसके एनएससी बीएससी के मुख्य सूचकांक जैसे कि एनएससी का निफ्टी और बीएससी का 30 वो सेंसेक्स 30 ऐसे सूचकांकों में शामिल किया जाता है। लेकिन ध्यान रहे ये जरूरी नहीं है कि एक कंपनी ब्लू चिप कंपनी हो सकती है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि यह कंपनी उनके मुख्य सूचकांक में शामिल हो ही, तो ये भी जरूरी नहीं है। तो आपने ब्लू चिप कंपनी देखा, ठीक है, ये क्या देखा, ब्लू चिप कंपनी देखा। चलो अगला कॉन्सेप्ट देखना है बाजारी पूंजीकरण यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन। देखो भैया एक चीज मैं आपको बता दूं,
मैं पीपीटी भी लगा के रखा हूँ, पीपीटी है, स्टार्टिंग में मैं शो कर दूंगा पीपीटी को, पीपीटी से भी बता दूंगा। लेकिन पीपीटी एक्चुअल में ये टीचर के लिए होनी चाहिए, स्टूडेंट इससे क्या करेगा, स्टूडेंट इससे क्या करेगा। पीपीटी से पढ़ा आप यूपीएससी को तो नहीं क्रैक कर सकते हो, क्यों? क्योंकि आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो फिर आपके पास हैंड आउट होनी चाहिए। आप ज्यादा दिनों तक पीपीटी के माध्यम से जैसे कि अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से नहीं पढ़ सकते हो। तो मैं बार बार बोलूंगा कि अपना नोट्स बनाओ, और अगर नहीं नोट्स तो इकोनॉमी के लिए मैं पूरा हैंड आउट, पूरा जितना भी नोट्स है, जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको आगे भेजता रहूंगा, ठीक है। तो हमें देखना है अगला जो हमारा है बाजार पूंजीकरण, यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन। देखो मार्केट कैपिटलाइजेशन, बाजारी पूंजीकरण किसी कंपनी के बाजारी मूल्य को दर्शाता है। जो बाजारी पूंजीकरण है, जो बाजारी पूंजीकरण है, पूंजीकरण है किसी भी कंपनी के, जो कोई भी कंपनी होती है, किसी भी कंपनी के यानी उसके बाजारी मूल्य को, किसी भी कंपनी के बाजारी मूल्य को, बाजारी मूल्य को दर्शाता है। किसे? बाजारी मूल्य को दर्शाता है, किसी भी कंपनी के बाजारी मूल्य को दर्शाता है। उसकी गणना कैसे करी जाती है? तो अगर हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन की गणना करनी है तो हम कुछ ऐसे करेंगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी किसी भी कंपनी का बाजारी मूल्य निकालना है, तो अब मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ, नंबर ऑफ टोटल शेयर, टोटल शेयर, इसमें सही से नहीं लिख रहा है ना, एक मिनट रुकिएगा, मैं इसे इरेज कर लेता हूं, इसमें सीधा लिखना चाहिए, तो सीधा क्यों नहीं लिख रहा। चलो, तो अगर हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी बाजारी पूंजीकरण का वैल्यू निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे कि टोटल जो जितने शेयर हैं उस कंपनी के, नंबर ऑफ टोटल शेयर यानी कुल शेयरों की संख्या, कुल शेयरों की संख्या, कुल शेयरों की संख्या, कुल शेयरों की संख्या मल्टीप्लाई प्राइस ऑफ शेयर, शेयर का यानी एक शेयर का मूल्य, एक शेयर का मूल्य, एक शेयर का मूल्य, मूल्य। अच्छा यहां पे पिक आ रही होगी तो नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको क्या कर देता हूं, यहां पे नीचे लिख देता हूं, यहां पे पिक आ रही होगी मेरी तो दिख नहीं रहा होगा, शो नहीं हो रहा होगा ना, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है। तो इसमें से यानी मल्टीप्लाई एक शेयर का मूल्य, एक शेयर का, एक शेयर का मूल्य, मूल्य। देखो भैया, फॉर एग्जाम्पल हमें किसी भी कंपनी का मार्केट यानी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसका क्या निकालना है, मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालना है। कैसे पता करेंगे? मान लो कि कोल इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है, कोल इंडिया लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड, लिमिटेड एक कंपनी है जिसके पास शेयरों की संख्या 20 है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। एक शेयर की कीमत, शेयरों की संख्या कितना, नंबर, नंबर ऑफ शेयर कितना है इसके पास, नंबर ऑफ शेयर है 20, और एक शेयर की कीमत है जो प्राइस है, यानी एक शेयर की कीमत है, एक शेयर का प्राइस है, प्राइस है 20 रुपीज। तो इसको 20 मल्टीप्लाई 20 कितना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 400। तो हम इसका मार्केट वैल्यू क्या कर लेंगे, इसका बाजारी मूल्य निकाल लेंगे। तो बाजारी मूल्य किसी कंपनी का ऐसे निकाला जाता है, बाजारी मूल्य, ऐसे किसी कंपनी का बाजारी मूल्य निकाला जाता है। अब आपको यह ध्यान रखना है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये बाजारी मूल्य किसी भी कंपनी का जब तक शेयर मार्केट खुला रहता है, जब तक शेयर मार्केट खुला रहता है तब तक ये फ्लक्चुएट होता रहता है। दोबारा सुनिए, मैंने कहा ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो बाजारी पूंजीकरण है, ये किसी भी कंपनी का बाजारी मूल्य जब तक मार्केट खुला रहता है तब तक क्या कहता है, ये फ्लक्चुएट होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है।
जैसे ही मार्केट बंद हो जाता है, जैसे जो शेयर मार्केट है बंद हो जाता है, तो वो स्टेबल कर जाता है, उसी टाइम स्टेबल हो जाता है। तो इसके यानी फ्लक्चुएशन के दौरान इसका मूल्य कभी घटेगा, कभी मूल्य बढ़ेगा, ये ऐसा चलता रहता है। तो बाजारी पूंजीकरण के आधार पर रिलायंस इंडस्ट्रियल कंपनी है, ये भारत की सबसे बड़ी कंपनी है बाजारी मूल्य के आधार पर। तो जो रिलायंस है, रिलायंस ग्रुप यानी रिलायंस इंडस्ट्री ये जो रिलायंस इंडस्ट्री है ना, ये भारत की सबसे बड़ी कंपनी बाजारी यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन बाजारी मूल्य के आधार पे ठीक है। वही दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल है। तो आपने ये देखा, ठीक है। अब इसके अंतर्गत हमें कुछ पेजेस चाहिए थे, जो कि पेजेस अगर हमें मिल जाते, चलो हमें पेजेस ना, बस एक मिनट रुकिएगा, मैं कुछ पेजेस इसमें एडजस्ट कर लेता हूं। डेली की तरह पेज तो एडजस्ट करने ही पड़ेंगे, इंसर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो चलो इंसर्ट हो जाएगा तो समस्या नहीं है, बहुत सारे पेज हो गए हैं। तो हम क्या बात कर रहे थे, इसके अंतर्गत आपने देखा, एक मिनट, चलो पेज शामिल हो गए हमने। इसी के अंतर्गत यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन बाजारी मूल्य, किसी भी कंपनी का बाजारी पूंजीकरण क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन बाजारी पूंजीकरण निकाला, ठीक है। तो इसमें किसी प्रकार को कोई स्टूडेंट को डाउट नहीं होगा। देखो कंपनी का जो बाजारी मूल्य है ये डेली बेसिस पे परिवर्तित होता रहता है, जैसे जैसे उसके शेयरों की संख्या शेयरों की जो मूल्य है, प्राइस है, वो अगर अप होता है या डाउन होता है तो उसमें परिवर्तन के आधार पर यह बदलता रहता है। अगला हमें जो सब हेडिंग है हमारा, तेजड़िया या मंदड़िया या बुल्स एंड बियर कहा जाता है, बुल्स एंड बियर, इसको तेजड़िया मंदड़िया कहते हैं, बुल्स एंड बियर एक मिनट, बुल्स एंड बियर्स हिंदी में इसको तेजड़िया, समझाता हूं, परेशान नहीं होना है, तेजड़िया और मंदड़िया, तेजड़िया और मंदड़िया, पहले उस न्यूज़पेपर को याद रखो, उसमें से आपने देखा होगा खासकर बिजनेस वाला जो पेज आता है, तो उस न्यूज़पेपर में जब मार्केट उछाल बना रहा होता है तो दो सींगों से, मतलब एक जो बुल्स होता है, जो बैल होता है, वो एकदम ऐसे दो सींगों को, मतलब जो उसके सींग होते हैं, हॉर्न होते हैं, उनको एकदम ऐसा लगता है कि ये उछाल की ओर है, एकदम उछाल देगा, तो ये इसी को दर्शाता है, बुल्स यही तेजड़िया है। और मंदड़िया जो बियर्स है, जो भालू एकदम सुस्त खड़ा रहता है, आप देखे होंगे भालू, तो जब मार्केट सुस्त होता है तो उससे ये जो भालू है ना सुस्त खड़ा रहता है उसको दर्शाता है। बस तेजड़िया मंदड़िया यहां समाप्त नहीं हुआ, अब सुनिएगा तेजड़िया मंदड़िया क्या है। ये दोनों है ना, जो ये तेजड़िया है और ये मंदड़िया है, यानी जो बुल्स है और ये बियर्स है, ये दोनों इन्वेस्टर्स होते हैं, दोनों निवेशक होते हैं, ये दोनों व्यक्ति निवेशक होते हैं, ये दोनों व्यक्ति तेजड़िया और मंदड़िया निवेशक होते हैं। ये तेजड़िया जो होता है ये आशावादी होता है, ये आशावादी होता है, आशावादी का मतलब यह आशा करता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, यानी यह आशा करता है बाजार है कहां, ये ऊपर की ओर जाएगा, बाजार ऊपर जाएगा, तो यह आशावादी होता है। और जो ये मंदड़िया होता है ये निराशावादी होता है, ये निराशावादी होता है, यह सोचता है कि बाजार नीचे जाएगा,
ठीक है। तो अब देखो ये जो तेजड़िया आशावादी होता है, बाजार तेजी से मतलब ये बाजार सोचता है ऊपर जाएगा तो उसकी तेजी से ऊपर जाने की आस्था रखता है और शेयरों की एक खरीदारी करेगा। अब ऑब्वियस है इसको लग रहा है, इस तेजड़िया को, इस बुल्स को लग रहा है कि बाजार ऊपर जाएगा तो ये क्या करेगा, शेयरों को खरीदेगा। इसे लगेगा कि मैं अभी सस्ते दर पे शेयर खरीद लूं और फिर बाद में जब बाजार अपने चरम पे पहुंच जाएगा तब मैं बेच के निकल लूंगा, तब मैं बेच के निकल लूंगा। इसको ये आशावादी व्यक्ति होता है, ये क्या होता है, आशावादी व्यक्ति होता है। इसे लगता है बाजार ऊपर जाएगा तो ये शेयरों की खरीद बिक्री करेगा, ये शेयरों की खरीद बिक्री करेगा, शेयरों को खरीदेगा, खरीदेगा। ठीक है, अब मंदरिया को देखो, यह व्यक्ति निराशावादी व्यक्ति है। मंदरिया, ये निराशावादी का मतलब कि यह सोच रहा है कि अब नहीं, इससे ज्यादा मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। कौन सोच रहा है, यह मंदरिया सोच रहा है कि अब इससे ऊपर नहीं, जो मार्केट है अब इससे ऊपर नहीं जाएगा, जितना है इससे नीचे ही जाएगा। ठीक है, तो अब इसके पास, मंदरिया के पास अर्थात बियर्स के पास जितने भी शेयर है, यह शेयर को बाजार में बेच के निकलने की कोशिश करेगा। तो यह शेयर क्या करेगा, यह शेयर को बेचेगा, यह शेयर को बेचेगा, यह शेयर को बेचेगा। अब समझ आया कि यह तेजड़िया और मंदड़िया का क्या रोल होता है। यही जब ध्यान से सुनिएगा कि जब तेजड़िया को लगता है कि बाजार ऊपर जाएगा तो अभी इसे शेयर को खरीदेगा तो यह बाजार को ऊपर ले जाएगा, और वही मंदड़िया उसे लगता है कि अब नहीं, बाजार यहां से स्टेबल हो चुका है, अब तो नीचे ही गिरेगा ऊपर नहीं जाएगा, यही मंदड़िया है। देखो जो मंदड़िया निराशावादी होगा, ये व्यक्ति निराशावादी है, बाजार की जो मंदी का अनुमान लगाता है, हमेशा इसे लगता है कि बाजार अब मंद होगा तो ये शेयरों की बिक्री करके और पैसा बना के निकलने की कोशिश करेगा। यही कारण है कि शेयर मार्केट लगातार ऊपर नीचे क्या उछाल चढ़ाव बना रहता है, यही कारण है कि शेयर मार्केट में उछाल चढ़ाव उतार चढ़ाव बना रहता है। जब ये शेयर खरीदेगा, ध्यान से सुनेगा, जब शेयर खरीदेगा इसको बुलिस कहा जाएगा। जब बाजार ऊपर जाएगा मतलब जब बाजार ऊपर की ओर जा रहा है, क्यों ऊपर की ओर जा रहा है, यह आशा कर रहा है तो शेयर खरीद रहा है, तो शेयर खरीद रहा है तो महंगे होंगे, तो जब शेयर खरीद रहा है तो महंगे हो, ऑब्वियस है शेयर की मांग ज्यादा है तो मांग ज्यादा के चलते महंगाई बढ़ेगी, तो अब ऑब्वियस है कि मार्केट ऊपर की ओर जाएगा तो इसी को बुलिश कहा जाएगा। बाजार का ऊपर की ओर जाना इसी को क्या कहा जाएगा, बुलिश कहा जाएगा, इसी को बुलिश कहा जाएगा। अब यह व्यक्ति जो निराशावादी व्यक्ति है, यह सोचता है कि बाजार नीचे आएगा, तो जब बाजार नीचे आएगा कब नीचे आएगा, जब यह बाजार में ज्यादा से ज्यादा शेयर बेचने की कोशिश करेगा तो बाजार ऑब्वियस से नीचे आएगा, डिक्लाइन करेगा, तो इसी को बियरिस कहा जाएगा, इसी को क्या कहा जाएगा, इसी को बियरिस कहा जाता है। जब ऐसा होता है, बाजार नीचे आता है इसके बेचने के चलते, तो इसी को बियरिस कहा जाता है। अब समझ आया बियरिस का मतलब क्या है, चलो उम्मीद करता हूं ये समझ गए होंगे। अब स्टैग देखो भैया, स्टैग, स्टैग देखो ये भी एक शब्दावली है, ये भी एक शब्दकोश है। देखो शेयर मार्केट में बुल्स और बियर्स को तो आपने देखा, इसी बुल्स और बियर की तरह स्टैग भी एक प्रकार का निवेशक होता है, ये भी एक प्रकार का इन्वेस्टर्स होता है, ये भी क्या होता है, ये निवेशक होता है, निवेशक होता है। वे बाजार की गति की जो दिशा है उसका अनुमान लगाने में, अभी ये कुछ कर नहीं रहा है, ये अनुमान लगा रहा है, और यह जैसे ही इसे लगेगा कि नहीं अब ठीक दशा है तो यह लाभ बनाने के उद्देश्य से निवेश करेगा, लाभ बनाने के उद्देश्य से ये व्यक्ति क्या करेगा, निवेश करेगा। और यह व्यक्ति का जो लाभ, ये अल्पकालीन क्या करेगा, अल्पकालीन निवेश करेगा। सॉरी एक मिनट, ये व्यक्ति क्या करेगा, अल्पकालीन निवेश करेगा, एक मिनट, स्टैग मैंने क्या बोला कि ये भी एक प्रकार का निवेशक है, निवेशक है। ये व्यक्ति अनुमान लगाए बैठा होता है, ये अल्पकालीन निवेश करता है, अल्पकालीन, अल्पकालीन निवेश क्या करता है,
ये व्यक्ति अल्पकालीन निवेशक होता है। तो अल्पकालीन निवेशक का मतलब कि इसका जो लाभ कमाना, यानी ये तत्काल इंस्टेंट लाभ कमाना, ये इंस्टेंट लाभ कमाना चाहता है, इंस्टेंट लाभ कमाने का उद्देश्य रखता है, यानी तत्काल लाभ कमाना चाहता है, तत्काल लाभ कमाना चाहता है, लाभ कमाना चाहता है, तत्कालीन लाभ कमाना चाहता है। तो एक, अब देखो ये एक्चुअल में ये होता क्या है कि तब एक ही दिन में ये शेयर को खरीदेगा और उसी दिन शेयर को बेच देगा। तो ये जो बेचने की प्रक्रिया है ये शॉर्ट टर्म हो गया एक तरीके से। तो आप ऐसे कह सकते हो कि ये जो व्यक्ति है इसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, इसका फोकस प्रॉफिट पे ही होता है, और ये अल्पकालीन निवेशक भी होता है। तो ये कोशिश करता है कि मुझे किसी कंपनी का आईपीओ मिल जाए, और जब उस कंपनी का आईपीओ मिल जाएगा तो कंपनी का रजिस्टर्ड होने का वेट करेगा ये व्यक्ति। और जब कंपनी रजिस्टर्ड होगी तो उसी दिन जैसे ही सूचीबद्ध होगी किसी स्टॉक एक्सचेंज में, यह व्यक्ति बेच के और लाभ कमा के निकल जाएगा, यह व्यक्ति बेच के और लाभ कमा के निकल जाएगा। तो यह भी एक प्रकार का क्या है, निवेशक है। यह जो निवेशक है यह शॉर्ट टर्म लाभ पे भरोसा कर रहा है, यह अल्पकालीन लाभ पे, अल्पकालीन निवेश है इसका, यह लंबे समय तक अपने शेयर को होल्ड नहीं करवाना चाहता उस मार्केट में। इसे जैसे लगेगा कि अब मेरा मतलब एक ही दिन खरीदेगा और उसी दिन बेचने की, जैसे ही इसे थोड़ा बहुत पैसा देखेगा तो बेच के निकल लेगा, ठीक है। ऐसे व्यक्ति ज्यादातर आईपीओ खरीदते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर खरीदते हैं, और जैसे ही वो कंपनी किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाती है, सूचीबद्ध हो जाती है, तो यह व्यक्ति शेयर बेच के और लाभ कमा के क्या होते हैं, निकल लेते हैं, लाभ कमा के निकल लेते हैं। तो ये एक्चुअल में स्टैग है, ओके। चलो अगला देखते हैं, भेदिया कारोबारी। भेदिया कारोबारी, ये सभी शब्दावलियां हैं। भेदिया कारोबारी, इसको ट्रेडर इनसाइडर बोलते हैं, ट्रेडर ट्रेडर इनसाइडर या इनसाइडर ट्रेडर कह लो, या ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग या इनसाइडर ट्रेडर या ट्रेडिंग, ट्रेडिंग। अब ये होता क्या है, देखो यदि ये जो कारोबारी, ध्यान से, भेदिया कारोबारी हिंदी में कहते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, एक व्यक्ति किसी कंपनी के एक बेहतर उच्च पद पे है, मान लो एक व्यक्ति उस कंपनी के प्रबंधन प्रणाली में शामिल है, उसके मैनेजमेंट में शामिल है, और वही व्यक्ति उस कंपनी का एक भारी मात्रा में शेयर खरीद ले, वही व्यक्ति उस कंपनी का भारी मात्रा में शेयर खरीद ले, क्योंकि उस व्यक्ति को उस कंपनी की सारी एक्टिविटीज पता है, तो उस व्यक्ति को क्या, यानी भेदिया कारोबारी या इनसाइडर ट्रेडर या इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाएगा। इसे और साधारण भाषा में समझने की कोशिश करेगा, यदि एक व्यक्ति जो कि किसी कंपनी से संबंधित है, उच्च पद पे है, बड़े पद पे है, इसके कारण उस कंपनी के संदर्भ में उसके पास कुछ खास जानकारी, उसकी बेहतर जानकारी, उसकी यानी प्राइवेसी, जो प्राइवेट बातें या गोपनीय जानकारी उसके पास है, और यदि उन जानकारियों के आधार पर वह व्यक्ति शेयरों की खरीद बिक्री कर ले, जो व्यक्ति जिसके पास जो गोपनीय जानकारी है, अगर वो ऐसा करता है तो आप देखोगे ऐसे व्यक्ति को इनसाइडर ट्रेडर या इनसाइडर ट्रेडिंग या भेदिया कारोबारी कहा जाएगा। इस पे हमेशा सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया नजर रखता है, और यह अवैध क्रिया है या इलीगल माना जाता है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि किसी कंपनी का जो सीईओ या मैनेजिंग जो उसका जो डायरेक्टर है, या वो ऐसे ही उच्च पद में कोई व्यक्ति बैठा है, तो जब किसी कंपनी का आईपीओ जारी होता है या आईपीओ जारी होना होता है या उसके शेयरों की बिकवाली होती है, तो उस व्यक्ति
व्यक्ति को प्रॉपरली इंस्ट्रक्ट किया जाता है और उसको एक निश्चित लिमिट से ज्यादा वो मतलब शेयर नहीं खरीद सकता और ना ही उस टाइम किसी से वो संपर्क बना सकता, ठीक है। क्योंकि अगर इसके माध्यम से उसकी जो एक्चुअल में प्राइवेट बातें हैं, जो गोपनीय बातें हैं, जो गोपनीय सूचना है, अगर वो एक्सप्लोर कर देता है, वो डिस्क्लोज कर देता है, तो इसके चलते उस कंपनी को लॉस भी उठाना पड़ सकता है। इस वजह से यह क्रिया अवैध माना गया है और इस पे पूरी तरीके से सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया नजर रखता है, ठीक है। तो आपने यहां तक चीजों को देखा। अब देखो सर्कुलर ट्रेडिंग, अगला हमें देखना है सर्कुलर ट्रेडिंग। सर्कुलर ट्रेडिंग, सर्कुलर ट्रेडिंग इसको चक्रीय कारोबार हिंदी में कहते हैं, चक्रीय कारोबार कहा जाता है। देखो भैया चक्रीय कारोबार क्या है, जरा चक्रीय कारोबार पे आप थोड़ा सा नजर डाल लो। देखो ये कैपिटल मार्केट का तीसरा लेक्चर है, ध्यान रखिएगा, और कैपिटल मार्केट में करीब 10 से 12 लेक्चर एक एक घंटे के आएंगे, 10-12 घंटे का लेक्चर होता है पूरा। जब भी एक शेयर बाजार में अवैध तरीके से कारोबार किया जाए, जब भी स्टॉक एक्सचेंज अर्थात शेयर बाजार में अवैध कारोबार, मान लो शेयर बाजार में अवैध कारोबार है, इसके अंतर्गत कुछ निवेशक जो कि एक दूसरे से परिचित है, मान लो कि कुछ निवेशक एक दूसरे से परिचित हैं और यह व्यक्ति उस कंपनी के एक साथ काफी शेयर खरीद के और एक साथ होल्ड कर लेते हैं और फिर अचानक बेच देते हैं, इसी को चक्रीय कारोबार कहा जाता है। इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करेगा, उदाहरण से समझिएगा, मैं दोबारा से इसे समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखो भैया मैंने कहा कि मान लो ए नाम की कोई कंपनी है, ठीक है, ए नाम की कोई कंपनी है, ए नाम की कंपनी अपना को शेयर क्या करना चाह रही है, शेयर जारी करना चाह रही है, ये कंपनी शेयर बेचना चाह रही है। मार्केट में यानी चार व्यक्ति उपलब्ध है, 1, 2, 3, 4, 5 मान लो, 6 मान लो, चलो। तो ये चार व्यक्ति एक दूसरे से संबंधित है, ध्यान से सुनिएगा, चारों व्यक्ति एक दूसरे से संबंधित है, तो ये एक ग्रुप बनाएंगे, एक संगठन बनाएंगे और ये चारों व्यक्ति संपर्क स्थापित करेंगे और ये कहेंगे कि अच्छा ये कंपनी देखो ये शेयर लेके आ रही है, तो हम क्या करते हैं कि इसके शेयर की पहली इसको धीरे धीरे खरीदते जाएंगे, तो मार्केट में अचानक ये उछाल दर्ज करती चली जाएगी, लोगों की 5, 6, 7, 8 के व्यक्ति की नजर पड़ेगी और इन्हें लगेगा कि यार अचानक से कंपनी के शेयर इतने महंगे क्यों होते जा रहे हैं, इन्हें लगेगा कि चलो हम भी इसके शेयर खरीद लेते हैं। इनने भी इसका शेयर खरीदना शुरू कर दिया है और यह व्यक्ति एकदम चरम स्थिति तक शेयर को खरीद के ले गए हैं। मान लो एक समय इनकी कीमत ₹1 एक शेयर थी, अब इनने ₹100 एक शेयर पहुंचा दिया है, अब कोई गुंजाइश नहीं है उस शेयर की कीमत बढ़ने का, तो ये व्यक्ति को ये अब चारों एक दूसरे से संपर्क में है, संपर्क स्थापित किए हैं, कम्युनिकेट करके बैठे हुए हैं, जैसे इन्हें लगेगा कि हमने एक इसको चरम स्थिति तक पहुंचा दिया है, तो ये व्यक्ति अचानक से पूरे शेयर को इस मार्केट में पंप कर देंगे। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब देखो इनने क्या किया था कि इनने एक तरीके से आर्टिफिशियल डिमांड पैदा करी थी इन जो चारों व्यक्तियों ने, लेकिन 5, 6, 7 व्यक्ति को भी लग रहा है, 8वें को भी व्यक्ति को लग रहा है, तो ये व्यक्ति शेयरों को ₹100 में खरीदना शुरू कर देंगे और यह व्यक्ति दोबारा से शेयर को पंप करेंगे और जैसे ही ये बेच के और हाथ खड़ा कर देंगे और लाभ बना के निकल लेंगे। इसी को चक्री कारोबार कहा जाता है। ये भी अवैध और इलीगल कारोबार है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इससे संबंधित निवेशक शेयरों को ऊपर जब ले जाएगा जो शेयर होल्डर है, तो आप देखोगे जब शेयर को ऊपर ले जाएगा और फिर अचानक वही लोग बेच के और लाभ बना के क्या कर लेंगे, निकल लेंगे। ये एक्चुअल में सर्कुलर ट्रेडिंग है। उम्मीद करता हूं यहां तक ये चीजें समझ आ गई होंगी। ये भी इलीगल है, इस पे भी नजर रखी जाती है, ठीक है। आगे देखो,
फॉरेन हमें देखना है एफपीआई, एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन फॉरेन पोर्टफोलियो 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 इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट देखो ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है। जब किसी अन्य देश में ये जो लोग होते हैं, जब किसी अन्य देश से भारत के शेयर बाजार में, किसी दूसरे देश से भारत के शेयर बाजार में निवेश किया गया हो तो एफपीआई कहलाता है। दोबारा सुनिएगा, जब किसी दूसरे देश से भारत के शेयर बाजार में निवेश किया गया हो इसको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, इसको फॉरेन पोर्टफोलियो निवेश कहा जाता है। दूसरे देश के दूसरे निवेशकों के द्वारा, दूसरे देश के निवेशकों के द्वारा, दूसरे देश के निवेशकों के द्वारा भारत की शेयर बाजार में निवेश, भारत की शेयर बाजार में, शेयर बाजार में निवेश को ही, निवेश को ही फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये पोर्टफोलियो होता है, ठीक है ना, तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। अब देखो मैंने ये बताया कि ये जो दूसरे देश के निवेशक होते हैं और भारत में क्या करते हैं, ये निवेश करते हैं। अब ये जो निवेशक होते हैं ये बहुत बड़े होते हैं, ये बहुत बड़े निवेशक होते हैं जो कि कई अलग अलग कंपनी का शेयर ये इकट्ठा करके ज्यादा संख्या में रख लेते हैं और खरीदते जाते हैं, और ये तत्काल लाभ बनाने का उद्देश्य रखते हैं। ठीक वैसे जैसे कि अभी मैंने पिछले लेक्चर सॉरी पिछले स्लाइड में आपको बता रहा था कि जैसे वो व्यक्ति क्या करते थे कि वो भी, उनका भी तुरंत लाभ कमाने का एक उद्देश्य रहता था, इसी तरह जो एफपीआई है ये भी तुरंत यानी लाभ कमाना चाहते हैं, तत्काल लाभ बनाना चाहते हैं। इस कंपनी के प्रबंधन में इनकी कोई रुचि नहीं होती है कि हम कोई कंपनी का अगर शेयर खरीद रहे हैं तो उसको उसका हमें मालिकाना अधिकार मिल जाएगा, इनसे उसका कोई लेना देना नहीं होता है, इन्हें तो बस अपने लाभ से मतलब होता है। तो एफपीआई के रूप में जो विदेशी निवेश करेगा तो बाहर का जो रुपया आएगा उसको हॉट मनी कहा जाएगा, उसको हॉट मनी कहा जाएगा। हॉट मनी को मैंने परिभाषित करते हुए मैंने बताया था अपने लास्ट लेक्चर्स में कि वैसा रुपया जो किसी एक हाथ पे बहुत टाइम तक ना रुके, जैसे कि समोसा आप रखोगे तो गर्म होने के चलते आप उछालते रहोगे, क्यों, क्योंकि इसी वजह से इसका कॉन्सेप्ट हॉट मनी, मतलब कि हॉट मनी एक हाथ में नहीं रुकता, पैसा इधर उधर क्या होता रहता है, मूवमेंट करता रहता है। तो ये जो निवेशक जो पैसा लेके आते हैं इनका लाभ लंबा दीर्घकालीन लाभ का उद्देश्य नहीं होता है, ये अल्पकालीन लाभ पे भरोसा करते हैं। तो इसी का यही पैसा जो निवेश के रूप में लाते हैं इसी को हॉट मनी कहा जाता है, क्योंकि यह जो निवेश किसी भी देश में लंबे समय तक रुकेंगे ही नहीं, तो ऑब्वियस है पैसा दूसरी जगह तो जाएगा ही जाएगा, तो ये पैसा ज्यादातर इधर से उधर पलायन करता रहता है। अब आप देखोगे ये जो एफपीआई है ये दो प्रकार का होता है, आप इसको दो प्रकार में वर्गीकृत कर सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो। एक एफआईआई होता है, एक एफआईआई होता है और दूसरा क्यूएफआई होता है, दूसरा क्यूएफआई। ये जो एफआईआई है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं इनको, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहा जाता है और इसको क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, यानी इसको क्या कहा जाता है, फॉरेन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट और इनको क्वालिफाइड क्वालिफाइड इनको क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यूएफआई कहा जाता है। अब इनको जरा थोड़ी सी डिटेल से देख लो कि एफआईआई क्या है और क्यूएफआई क्या है। देखो ये जो एफ
FII है जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल यानी संस्थागत निवेशक है, जो ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल विदेशी संस्थागत निवेशक है, जो कि इन्हें देखो ये विदेशी वित्तीय संस्थान होते हैं, ये विदेशी वित्तीय संस्थान होते हैं, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे कि बाहर की कोई विदेश की बीमा कंपनी हो गई, विदेश का कोई म्यूचुअल फंड कंपनी हो गई, जो कि कई सारे इन्वेस्टर्स का पैसा इनके पास इकट्ठा होता है, इनके पास धनराशि इकट्ठा होती है और शेयर बाजार में ये निवेश करके और अल्पकालीन लाभ कमा के निकलना चाहते हैं, ठीक है। तो इनको FII कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, विदेशी संस्थागत निवेशक कहा जाता है। दूसरे जो QFI होते हैं, ये क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, इससे जो ये इससे डिफरेंट होते हैं। देखो ये अन्य देशों में जो भारत में आया हुआ जो निवेश होता है शेयर मार्केट में, हमारे और आपकी तरह निवेशक ही होते हैं, ये आम निवेशक होते हैं, ये संस्थागत नहीं होते हैं, जो कि अपनी धनराशि को भारत की मार्केट में ये लगाते हैं और उसको निवेश करते हैं और QFI के रूप में ये उन्हीं देशों में मतलब जैसे पैसा लगाएंगे जो QFI के रूप में उन्हीं देशों में निवेश किया जा सकता है जो कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का वो देश मेंबर हो और साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग, इन अगर दोनों संस्थानों का मेंबर है तभी पॉसिबल है QFI के अंतर्गत भारत में पैसा आ सकता है, अन्यथा हर एक देश का नागरिक भारत में पैसा नहीं लगा सकता है। जैसे जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF है, इसके बारे में हम डिटेल से आगे बात करेंगे, लेकिन इसका जो संगठन का जो हेडक्वार्टर है पेरिस में है और भारत समेत करीब इसमें से 37 सदस्य देश हैं। उन 37 सदस्य देशों में गल्फ कंट्री भी एक मेंबर है, यानी एक सदस्य माना जाता है, जैसे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कहा जाता है। और दूसरा जो इसका एक सदस्य है यूरोपीय यूनियन, जिसमें जितने भी उसमें देश है यूरोपीय यूनियन में, तो वो भी सारे देश इसी का एक सदस्य है। तो 37 सदस्यों में आप कह सकते हो कि यानी 35 कंट्री, इसमें भारत भी शामिल है और यूरोपीय यूनियन और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल्स भी इसमें शामिल है। तो ये एक्चुअल में FI है। तो QFI समझ में आया कि जो इसका मेंबर होगा FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और उसके साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग का, तभी आप भारत के बाजार में निवेश कर सकोगे, अन्यथा आप भारत की बाजार में निवेश नहीं कर सकोगे। लेकिन यह इंडिविजुअल व्यक्ति होते हैं, वही जो FFI होता है, ये FFI ये एक संस्थागत निवेशक होता है, भारत में निवेश करते हैं, ठीक है, ये संस्था के माध्यम से, इनके पास जैसे कि हमारे यहाँ कोई संस्था है और कई लोगों का पैसा है तो भारत किसी देश में जाके निवेश करें। तो आपने जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है इसके अंतर्गत चीजों को देखा। उम्मीद करता हूं किसी भी बच्चे को यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, अन्यथा अगर डाउट होता है तो मैं एक बार और आपको 15 मिनट के अंदर सारी चीजें जितना पढ़ाया हूं वो रिवाइज करवा देता हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर थोड़ा सा इकोनॉमी टफ होती है, लेकिन मैं इसको बहुत आसान भाषा में सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। चलो थोड़ा सा देख लो आप कि एक्चुअल में इसमें आपकी स्लाइड में भी सारी चीजें बहुत डिटेल से मेंशन किया गया है, ठीक है। देखो जरा मार्केट कैपिटलाइजेशन, मैंने मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंतर्गत मैं क्या कर लेता हूं, अब यहां हाइलाइटर ले लेता हूं, है ना, बस एक मिनट भैया, ओके हाइलाइटर यूज कर लेते हैं। देखो जो बाजारी पूंजीकरण है, बाजारी पूंजीकरण आप देखोगे किसी भी कंपनी के जो बाजारी मूल्य को ही दर्शाता है, किसी भी कंपनी का बाजारी मूल्य को ही दर्शाया जाता है। इसकी गणना उस कंपनी का जो टोटल नंबर ऑफ शेयर है, उसकी एक शेयर का जो प्राइस है उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, गुणा कर दिया जाता है, और जो टोटल पैसा निकलता है ये उसका मार्केट वैल्यू कहलाता है, उसका क्या कहलाता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। अब अगर कहें मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर भारत की जो सबसे बड़ी कंपनी है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल, यानी जो एप्पल ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, किसके आधार पे, सॉरी मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पे। मैंने दूसरा सब हेडिंग बुल्स और बियर्स के बारे में बताया था, मैंने बताया था इसको हिंदी में तेजड़िया बुल्स को और बियर्स को मंदरिया कहा जाता है, मंदरिया नहीं है मंदरिया,
ठीक है। तेजड़िया, ये देखो दोनों व्यक्ति ये जो दोनों हैं ये निवेशक ही होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं। तेजड़िया ये आशावादी व्यक्ति होता है और बाजार में आगे बढ़ने की आस्था रखता है। वहीं इससे दूसरा जो भिन्न मंदड़िया, ये व्यक्ति निराशावादी होता है, बाजार नीचे आने ये निराशा व्यक्ति ये मंदी का अनुमान लगाता है। तो जब शेयरों की बिक्री करते हैं ये लोग, तो देखो इसी के चलते आप देखोगे शेयर मार्केट लगातार इन्हीं की सोच के अकॉर्डिंग, इन्हीं के शेयरों की खरीद बिक्री के अकॉर्डिंग ये ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता रहता है। जब जब शेयर मार्केट ऊपर जाएगा, कहा जाता है कि तेजड़िया आशावादी ये क्या कर रहा है, शेयरों को खरीद रहा है, तो ऑब्वियस मार्केट ऊपर जाएगा, तो तब बुलिश कहा जाता है। और जब मंदड़िया, जब मार्केट नीचे आता है, मंदी आती है, तो कहा जाता है ये व्यक्ति निराशावादी व्यक्ति है, जो ये कि शेयर बेच रहा है, शेयर ज्यादा हो चुके हैं, शेयर की संख्या, तो लोग इसका ऑब्वियस की भाव गिर जाएगा, तो इसी को बियरिस्ट कहा जाएगा, इसी को बियरिस्ट कहा जाएगा। स्टैग मैंने बताया, स्टैग ये भी शेयर मार्केट बुल्स और बियर्स की तरह भी एक निवेशक होता है और ये गति का अनुमान लगा रहा होता है बैठे बैठे। इसका जो लाभ कमाने का उद्देश्य होता है, ये शॉर्ट टर्म लाभ कमा के यानी अल्पकालीन निवेशक होता है और ये ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता है कि मुझे किसी कंपनी का आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर मिले, और जैसे ही वो आईपीओ किसी कंपनी का मिल जाता है तो यह व्यक्ति उस कंपनी को जैसे ही आईपीओ मिल जाता है और यह इंतजार करता है, वेट करता है कि मुझे वो कंपनी सूचीबद्ध हो जाए स्टॉक मार्केट में। जैसे वो कंपनी स्टॉक मार्केट में सूचीबद्ध होती है, यह व्यक्ति जो स्टैग है, ये निवेशक, ये लाभ कमा के और नौदो घेरा हो जाता है, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया इनसाइडर ट्रेडिंग, इसको हिंदी में भेदिया कारोबारी कहा जाता है। देखो यह कंपनी का उच्च अधिकारी हो सकता है, यह उसका मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है, ये सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो सकता है। इस व्यक्ति के पास कंपनी की गोपनीय जानकारी होती है और इस व्यक्ति को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि एक निश्चित सीमा से ज्यादा ये कंपनी के शेयर नहीं खरीद सकता, और ना ही उस टाइम पे अगर किसी कंपनी का शेयर या आईपीओ जारी हो रहा होता है तो उससे किसी टाइम उस टाइम किसी से संपर्क साध सकता है, क्योंकि यह किसी प्रकार से कोई इलीगल एक्टिविटीज को जन्म ना दे सके, इस वजह से रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। हालांकि ये जो इनसाइडर ट्रेडिंग है, इनसाइडर ट्रेडर है, इसलिए अवैध क्रिया है, ये इलीगल है और ये सेबी की निगरानी इसमें रखी जाती है, सेबी इसमें वॉच डॉग कर रहा होता है, ठीक है। अब देखो सर्कुलर ट्रेडिंग, मैंने सर्कुलर ट्रेडिंग को भी आपको पढ़ाया था, यह भी एक उसी प्रकार का जो भेदिया कारोबारी तरीके से इलीगल कारोबार है, अवैध कारोबार है। इसके अंतर्गत कुछ व्यक्ति जो निवेशक होते हैं एक दूसरे से परिचित होते हैं और एक कंपनी के शेयरों को ये खरीद करके एक निश्चित टाइम लिमिट एक निश्चित लिमिट तक ऊपर ले जाते हैं। जब इनको लगता है कि अब इससे ऊपर शेयर नहीं जाएगा तो वही ये व्यक्ति अचानक से पूरे शेयर को पंप कर देते हैं, तो इससे एक टाइम तो कंपनी की कीमत बहुत हाइक हो जाती है और फिर जाके मुंह के बल गिरती है। ये भी अवैध है और इसी को सर्कुलर ट्रेडिंग कहा जाता है, ठीक है। अगला मैंने बताया आपको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जरा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है इस पे नजर डालो। ये जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, देखो यह जो भारत की बाजार में आया विदेशी निवेश जो शेयर मार्केट में आ रहा है, इसी को एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो निवेश कहा जाता है। यह बड़े निवेशक होते हैं और इनके पास कई कंपनियों का शेयर एक मेजर लार्ज स्केल पे होता है, ये ज्यादा संख्या में खरीदते हैं। ये व्यक्ति किसी भी प्रकार से उस कंपनी के मालिकाना अधिकार पे कोई रुचि नहीं रखते हैं। इनका जो उद्देश्य होता है ये शॉर्ट टर्म यानी कम अवधि पे लाभ कमाना चाहते हैं, ये शॉर्ट टर्म लाभ कमाना चाहते हैं। तो ऑब्वियस है कि ये व्यक्तियों का जो पैसा होगा ये भारत की मार्केट या किसी मार्केट में लगाएंगे तो ये पैसा इधर उधर मूवमेंट करता रहेगा, पलायित होता रहेगा, पलायन करता रहेगा। इसी वजह से यह एक जगह नहीं रुकता है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे हाथ जाता जाता है। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है आप देखेंगे, इसी वजह से इसको हॉट मनी कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉट मनी कहते हैं। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है ये प्रॉपरली हमने इसको दो भागों में मैंने बताया, एक क्यूएफआई और एक एफआईआई, यानी जो एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होता है। जैसे यहां पे देखो ये एफआई को दो हिस्सों में वर्गीकृत किया गया है, एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और एक क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट।
जो ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता है, ये भी विदेशी वित्तीय संस्थान होते हैं, ये इंस्टीट्यूशन होते हैं, इनके पास कई जो इंडिविजुअल्स निवेशकों का पैसा होता है और ये भारत की मार्केट में एक साथ पैसा क्या करते हैं, लगाते हैं। ठीक है, अब दूसरा आप देखोगे कि जैसे दूसरे के अंतर्गत मैंने क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर बताया, ये पर्टिकुलर ये इंडिविजुअल व्यक्ति होता है, यह आम निवेशक हम और आपकी तरह होता है, यह भी विदेशी ही व्यक्ति होता है, भारत की बाजार में पैसा लगाना चाहता है, लेकिन इसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, ये तभी भारत की मार्केट में पैसा लगा सकेगा जब ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और मनी लॉन्ड्रिंग का ये देश सदस्य हो, तभी इस देश का नागरिक भारत की बाजार में पैसा लगा पाएगा, अन्यथा इस देश का नागरिक भारत की बाजार में पैसा नहीं लगा पाएगा। इस संगठन का जो मुख्यालय है मैंने बताया कि कहां, पेरिस पे है, और इसमें करीब 37 देश आते हैं, सदस्य देश हैं, 37 सदस्य देशों में जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल भी एक सदस्य है, सॉरी दूसरा यूरोपीय संघ भी इसका सदस्य है। तो आपने FPI है इसको भी डिटेल से देख लिया है, उम्मीद करता हूं किसी भी बच्चे को यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। देखो भैया, मैं अपनी क्लासेस का थोड़ा सा टाइम आपके साथ डिस्कस कर दूं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक मिनट। देखना जरा, इंडियन इकोनॉमी जिन्हें लगता है कि थोड़ा बहुत आवाज कैसे इसमें रहता है YouTube पे 7 बजे, तो 2 बजे सेम चीज चल रहा है ऐप पे, अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे, तो आप वहां आके हमारे साथ जुड़ के, और वहां तो आपके पास क्वेश्चन पूछने के भी चांसेस होते हैं। ये क्लास प्रीमियर होती है 7 बजे, जो अभी ये क्लास चल रही है, तो ये प्रीमियर क्लास में आप, मैं यहाँ पे इकट्ठा नहीं होता, यहाँ पे बस स्टूडेंट होते हैं, और ये रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो होता है जो कि उस समय प्रीमियर हो रहा होता है। ठीक है, अगली क्लास ऐप पे ही जाके, जैसे मैंने 2 बजे बताया, फिर 2 बजे के बाद जो दूसरी क्लास ऐप पे नहीं सॉरी हिंदी ऑप्शनल करके एक चैनल है, उसमें लाइव जाता हूं, इसमें हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ाता हूं, जिन बच्चों का हिस्ट्री ऑप्शनल है वो आके यहां से जुड़ के मुझसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं, अगला क्लास हमारा 8 बजे ऐप पे होगा, कहां, ये इंडियन पॉलिटी। ठीक है, तो पहले तो हम इन सभी क्लासेस के बारे में बात किया, दो क्लास और एक 9 बजे, जो भी मैंने अपनी अभी तक क्लासेस में पढ़ाया, इनका टेस्ट साथ में, यानी आपने कितना पढ़ा कंप्लीट करते चलते हैं, ये 9 PM की बात कर रहा हूं, ऐप में क्लास होती है, अगली क्लास 10 PM पे ही होती है, 10 PM पे, ये भी ऐप पे ही होती है, और इसमें टेस्ट सीरीज स्टैंडर्ड क्वालिटी का, जिन्हें 2021 में पेपर देना है उनके लिए होता है। ठीक है, अब हम पीछे स्लाइड पे फिर चलते हैं। देखो, इंडियन इकोनॉमी में मैं बार बार बोल रहा हूं, किसी भी बच्चे को कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, ना ही किसी कोई बुक्स को फॉलो करना है। सारे लेक्चर, करीब इसमें से 150 से ऊपर लेक्चर आएंगे, इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत करीब 30 से 35 लेक्चर आ चुके हैं, तो 150 के आसपास तो लेक्चर आएंगे, और उस लेक्चर के साथ साथ आपको जो नोट्स मिलेगा वो मोर देन सफिशियंट होगा प्री और मेंस के लिए। अगला ये इसका मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करवाऊंगा टेलीग्राम चैनल पे, और ये पॉलिटी का भी नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन हिस्ट्री और इसमें एनसीईआरटी पढ़ना है। देखो, एनसीईआरटी पहले तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो, ये आप खुद पढ़ना स्टार्ट करो, एनसीईआरटी आप खुद पढ़ो, खुद समझ विकसित करो, क्योंकि कुछ टेक्स्ट बुक की भी पढ़ने की आदत डालो, अगर टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ोगे तो शायद यूपीएससी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि देखो, आप जब किताबें पढ़ोगे तो आपका खुद व्यू क्रिएट होगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो ये एनसीईआरटीज वगैरह है ये आपको खुद पढ़ना है, एनसीईआरटीज वगैरह आपको खुद पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। तो अब सारी एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, तो अगर हम पॉलिटी और हिस्ट्री की एनसीईआरटी की बात करें, तो हिस्ट्री की एनसीईआरटी में
हिस्ट्री की अगर एनसीईआरटी की बात करें तो हिस्ट्री की एनसीईआरटी आपको सिक्स क्लास की एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, सेवेंथ क्लास की एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है और एट्थ क्लास की कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। ठीक है, अब आपको नाइन्थ की भी कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। अब आपको एनसीईआरटी इलेवेंथ और ट्वेल्थ की एनसीईआरटी पढ़नी है, इलेवेंथ और ट्वेल्थ की एनसीईआरटी पढ़नी है, मात्र इलेवेंथ और ट्वेल्थ की एनसीईआरटी पढ़नी है, ये कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। इनमें सिर्फ टाइम लॉस और खिलौना और खेल और मेला है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है और ना ही इससे आप कोई व्यू बना लोगे। लेकिन इसके लिए हिस्ट्री के लिए नोट्स और हर एक जैसे कि मेडिवल का अगर ऑप्शनल के लिए तो भी उसके लिए मैं बुक्स बना दूंगा और आपको इसका एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो करना है और नोट्स फॉलो करना है। देखो जितना ज्यादा कंटेंट आप पढ़ोगे उतना ज्यादा फेल होगे और उतने ही कम चांसेस हो जाएंगे आपके क्वालिफाई करने के, उतने ही कम चांसेस हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी बच्चों से कि कम पढ़ना है उसी कम को ज्यादा बार पढ़ना है, बार बार बोल रहा हूं किसी कि मतलब हमें कम पढ़ना है। कम पढ़ने का मतलब कि मेरा मतलब यह है कि आपको 20 बुक नहीं पढ़ना, एक बुक पढ़ना है लेकिन एक बुक को पांच बार छह बार पढ़ना है बजाय छह बुक को एक एक बार पढ़ने के, बजाय छह बुक को एक एक बार पढ़ने के। तो आपको अब ये नहीं कि कम पढ़ने का मतलब कि सर कह रहे हैं तो पढ़ने नहीं यूपीएससी, ऐसा नहीं मैं कह रहा, थोड़ी सी रणनीतिक ढंग से पढ़ाई करनी है। पॉलिटी का मैं नोट्स ऑलरेडी उसमें दोनों प्रकार का नोट्स उपलब्ध करवा रहा हूं, पॉलिटी का यदि दोनों हैंडआउट उपलब्ध करवा रहा हूं, जैसे कि पॉलिटी के अंतर्गत आप देखोगे कि हैंडआउट और सारा प्रकार का नोट्स, तो वो मोर देन सफिशियंट होगा पीटी के लिए। पॉलिटी मात्र मैं पीटी के लिए पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए और जो इकोनॉमी है पीटी और मेंस के लिए। ठीक है, तो यहां तक आप देख सकते हैं, ये सारा सब कुछ आपको ध्यान रखिएगा कंप्लीट करना है। ठीक है, हम अगले लेक्चर में मिलेंगे और ऐप पे 8 बजे क्लास है। ठीक है, इन आज जो सरकार का गठन शुरू होना है तो सब लोग ऐप पे 8 बजे देवी सिंह सर्च करके आ जाना है। ठीक है, सो थैंक यू, फिर मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।